एक बड़ी पुरानी कहावत है कि कर्महीन खेती करे, बैल मरे और सूखा पड़े। ये आज तक हम लोगों ने इस्तेमाल किया था पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के लिए, लेकिन इस बार ये प्रधानमंत्री इमरान खान के लिए नहीं बल्कि प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि अब बोरिस जॉनसन की कुर्सी जाएगी। और बड़ी बात ये है कि इस कुर्सी पर भारत का दामाद बैठेगा। आखिर क्या कर दिया है बोरिस जॉनसन, जिनको कुर्सी से हटाया जा रहा है और उनकी जगह भारत के उद्योगपति नारायण मूर्ति के दामाद और ब्रिटेन के जो इस वक्त वित्त मंत्री हैं ऋषि सुनक, वो बनेंगे देश के पीएम। जानते हैं क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ भारत बना रहा था एक बड़ा हथियार, लेकिन भारत से पहले चोरी करके चीन ने बना लिया। आखिर कहां से उसे सुराख मिला और कहां से चोरी कर पाया, जानेंगे अलावे बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। कभी कभी इंसान ये भूल जाता है कि उसे देखने वाला तीसरी आंख भी है। हुआ ये कि ब्रिटेन में इस वक्त महामारी अपना विकराल रूप धारण किए हुए है, जिसकी वजह से लॉकडाउन लगा हुआ है, बहुत तरह की पाबंदियां लगी हुई है। लेकिन जिन पाबंदियों को बोरिस जॉनसन ने आम जनता के लिए लगाया, उसको छोड़कर बोरिस जॉनसन आम जनता पर पाबंदी लगाया बोरिस जॉनसन ने, तो वहीं गार्डन में पार्टी कर रहे थे और 57 साल के बोरिस जॉनसन जमकर इस पार्टी में शराब का सेवन भी कर रहे थे, सारे नियमों कानूनों का धज्जियां उड़ा कर ऐसा कर रहे थे, जिसके बाद ये मामला लीक हो गया, वीडियो सोशल मीडिया में पहुंच गई और ब्रिटेन में मचने लगा हंगामा। अब ऐसे भी बोरिस जॉनसन अपने देश में लोकप्रियता खो रहे थे और इसके बाद तो अब उनकी पार्टी भी ये कह रही है कि आपने खुद ही पाबंदियों की अवहेलना की, जिसकी वजह से आपको छोड़ देनी चाहिए अब कुर्सी। अब माना जा रहा है कि ब्रिटेन के कई सांसद, विपक्षी नेता बोरिस के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं और बोरिस जॉनसन अगर इस्तीफा देते हैं तो उनकी जगह भारतीय उद्योगपति नारायण मूर्ति के दामाद और ब्रिटेन के वित्त मंत्री ऋषि सुनक देश के पीएम बनेंगे। वैसे भारत के साथ ब्रिटेन के अभी FTA साइन होने वाले हैं, यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, और सुनक के बनने के बाद यही माना जा रहा है कि भारत के लिए चीजें और भी आसान हो जाएंगी। सुनक भारत पक्षधर माने जाते हैं, पहले भी सुनक के माता पिता भारत में ही रहते थे, पंजाब के रहने वाले थे। सुनक के पिता डॉक्टर थे और माँ केमिस्ट की दुकान चलाती थी। बाद में वे पंजाब से लंदन चले गए और वहाँ के निवासी बन गए और आज उनका बेटा ब्रिटेन का वित्त मंत्री है। लेकिन बोरिस जॉनसन के जाने के बाद बड़े दावेदार में आ रहे हैं ये नारायण मूर्ति के दामाद, तो वहीं उनके बाद विदेश मंत्री और उसके बाद भारतीय मूल की गृह मंत्री प्रीति पटेल भी लाइन में है। हर हाल में ऐसा लग रहा है जैसे UK की सत्ता भारत के हाथों में ना आ जाए। खैर, जहाँ एक तरफ ब्रिटेन में ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ भारत के लिए एक खबर आई है जो बड़ी चौंकाने वाली खबर है। वैसे चीन जाना ही जाता है चोरी करके अपने हथियारों को बनाने के लिए। भारत एक लंबे प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था और इस प्रोजेक्ट के आधार पर अगर भारत को कामयाबी मिलती तो किसी भी युद्ध में फ्रंट रो को जीतना भारत के लिए बहुत आसान हो जाता है। जैसा कि जब जंग शुरू होता है तो इस जंग में मायने करता है हथियारों को ड्रॉप करना और सैनिकों को ड्रॉप करना, वहाँ समय पर पहुँचाना, जगह पर पहुँचाना। अमेरिका का MH-60 हेलीकॉप्टर एक ऐसा हेलीकॉप्टर है जो स्टिल्थ हेलीकॉप्टर है, जिसका इस्तेमाल अमेरिका अपने खास ऑपरेशन के लिए करता है और ये अमेरिका की वायुसेना का एक बड़ा शक्तिशाली अंग भी है। वैसे देखेंगे कि अमेरिका का ये हथियार उसके लगभग हर वार में काम आता है। इस स्टिल्थी ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर का तब चर्चा बहुत ज्यादा हुआ था जब एक रेड किया था अमेरिका ने अलकायदा के लीडर ओसामा बिन लादेन को मारने के लिए 2011 में, और उस वक्त ये क्रैश हो गया था। और जब ये क्रैश हो गया था तो मीडिया को इसकी तस्वीरें लेने का मौका मिल गया था, और जब इसकी तस्वीरें सामने आई थी जिसमें दिखा था इसका इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम, तो चौंक गए थे दुनिया की इतना हैवीली मॉडिफाइड और इतना ताकतवर हेलीकॉप्टर बनाया है अमेरिका ने। 1970 में ये डिजाइन कॉन्सेप्ट में आया था अमेरिका के द्वारा, लेकिन ये इतना ज्यादा धांसू था कि अमेरिका इसके डिजाइन को हमेशा छिपा छिपा कर रखना चाहता था। ये हुआ कि क्रैश के बाद बहुत ज्यादा इसके
पिक्चर वगैरह ना ले सके मीडिया, इसलिए इसे वहीं पर जलाकर खत्म कर दिया गया था। फिर भी कुछ पिक्चर्स निकल कर मीडिया में सर्कुलेट हो गए और लोगों को पता चला कि इसके अंदर किस तरीके से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर लिया है और किस तरीके से इसके डिजाइन में मॉडिफिकेशन किया है अमेरिका ने। और इन तस्वीरों के निकलने के बाद से ही भारत भी और चीन भी चाहता था कि कुछ ऐसा ही हेलीकॉप्टर उनका अपना हो और ये ऐसा हो जो स्टिल्थ हो और उतना ही ताकतवर हो जितना ताकतवर MH-60 है। MH-60 में बहुत सारी चीजें हैं जो बहुत ताकतवर इसे बनाती है और स्टिल्थी होने की वजह से इसकी ताकत को और भी ज्यादा बढ़ा देती है। रडार वार्निंग सिस्टम की बात करें या फिर अप्रोच वार्निंग सिस्टम जिसमें कि मिसाइल आने से पहले ही पता चल जाता है कि मिसाइल आ रही है हेलीकॉप्टर की तरफ, या फिर इसके एक्सपीरियंस की बात करें जो इसने कई सारे युद्धों में किया हुआ है। अब चीन तेजी से पड़ गया कि किसी तरीके से इस डिजाइन को हासिल किया जाए और वहीं भारत तेजी से इस तरफ जुड़ गया कि कैसे इस डिजाइन को बनाया जाए और कैसे इस तरह का स्टिल्थी हेलीकॉप्टर जो MH-60 के का मुकाबला कर सके उस तरीके का भारत के पास हो। पर चीन ने अब ये दावा किया है कि उसका हेलीकॉप्टर बन गया है और उसका जो हेलीकॉप्टर है JZ-20 जिसको अब जल्द ही चीन दुनिया के सामने लाने वाला है। और चीन ये कह रहा है कि ये उनका पहला स्टिल्थ हेलीकॉप्टर है जो कि अमेरिका के MH-60 के बराबर है। वैसे आपको बता दें, देखने से ये जो डिजाइन इसकी है अमेरिका के MH-60 के जैसी ही लग रही है, जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि या तो इसने किसी देश से चुरा लिया है इसे, या फिर कहीं से इसे MH-60 को री इंजीनियरिंग करने का मौका मिला है जिसके बाद इसने इसे डेवलप कर लिया है। अब कॉन्सेप्ट चुराना चीन के लिए आम बात है, संभवतः इसने अमेरिका से ही चुरा लिया होगा क्योंकि अमेरिका में बहुत ज्यादा सेंध लगा चुका है चीन पर। चीन मानने को तैयार नहीं है कि उसका ये डिजाइन ये कॉन्सेप्ट चोरी का है, पर भारत के लिए ये मुश्किल है कि अब चोरी से हो या किसी भी तरीके से हो, चीन ने भारत से पहले अपने स्टिल्थ हेलीकॉप्टर को बना लिया है। पर अब ये कितना कॉपी कर पाया है ये तो जब उड़ान भरेगा और एक दो घटनाएं होंगी तभी पता चलेगा कि चीन का हेलीकॉप्टर कितना ताकतवर है। फिलहाल भारत अपने स्टिल्थ हेलीकॉप्टर के प्रोजेक्ट पर लगा हुआ है। वैसे आपको क्या लगता है, ये कॉन्सेप्ट चीन ने कहां से चुराया होगा? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।